हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेलो वेब। दोस्तों, आज हम ट्रैवल करने वाले हैं बिहार से दिल्ली, वो भी बाय बस, ना ट्रेन ना फ्लाइट। तो बाय बस मैंने देखा है, बहुत कम ब्लॉग है बाय बस पे, तो ये वीडियो जरूर अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, फाइनली मैं आ गया हूँ बस में और बस चल रही है, लेकिन मैं आपको बस कुछ दिखा इंटीरियर दिखा देता हूँ आपको। देखोगे आपको लग्जरी बस है, एक तरह से आप कह सकते हो इसे लग्जरी बस है। तो चलिए देखते हैं। तो ये है सामान रखने की कुछ जगह, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि एसी है, यहाँ पे दो एसी है और यहाँ पे पावर प्लग एंड लाइट है। तो ये आपका केबिन है, इसे आप खोल सकते हो, बंद कर सकते हो। और ये है बाहर का नज़ारा जो हम मोतिहारी से निकल रहे हैं। अपनी स्टॉपेज होगी आई थिंक गोरखपुर। तो गोरखपुर में रुक के किसी ढाबे पर रुकेगा, तो देखते हैं वहाँ पे क्या हमें देखने को मिलेगा। तो देखते रहिए ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आगे भी और भी बहुत मज़ा आने वाला है जब हम लोग चढ़ेंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे और यमुना एक्सप्रेसवे। तो वहाँ का सीन अच्छा है, देखने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। फाइनली 4 घंटे बाद बस एक ढाबे पर रुकी है। तो चलिए बाहर देखते हैं यहाँ पे खाने में क्या क्या मिलता है एंड क्या खा सकते हैं। वैसे मैं घर से ही खाना लेकर आया था, तो बाहर निकले घूमते हैं थोड़ा। 4 घंटे सोए सोए दिमाग खराब हो गया। देन कहीं वो ढाबा जहाँ पे हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, देन देखने में तो अच्छा लगता है, चलिए देखते हैं कैसा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी ट्रक बसेस लगी है। ये जो ग्रीन वाली है इसी पे मैं बैठा हूँ, एक वहाँ पे लगी है। लाइट ज़्यादा नहीं है, लाइटिंग यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, इसलिए आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे देता हूँ, लेकिन आपको दिखाई देता होगा, थोड़ा बहुत तो दिखाई दे देता होगा आपको। उसमें यहाँ पर देख सकते हो कितनी ट्रकें लगी है, सारी ट्रक है। तो लोकेशन अच्छा है यार, ढाबा अच्छा है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे, अच्छे लोग हैं, कुछ लोगों से मैंने बात किया तो अच्छे हैं। लेकिन यहाँ के ढाबे की खास बात ये है कि रेट बहुत हाई है यार, 5 स्टार होटल की तरह रेट है यहाँ पे। तो ढाबे पे अगर आपको खाना है तो मेरे हिसाब से आप घर से ही खाने लाओगे, ढाबे पे मत लो, खाना भी अच्छा नहीं। खाना कुछ खाया मैंने, पनीर खाया, चावल खाया, यार खाना भी अच्छा नहीं है यहाँ पे, और पैसे भी आए 150 रुपये प्लेट खिला रहे हैं। तो इस मैंने घर से खाना लाया था, फिर भी खा लिया, मन किया मैंने, मेरा मैंने खा लिया, बट खाना अच्छा नहीं है। तो मेरा राय ये है कि आप ढाबे पे खाना ना ही खाओ। चलो अब अंदर चलते, कुछ देर में बस चलेगी तो अंदर चल के देखेंगे। और भी कुछ खरीदा है मैंने, माउंटेन ड्यू, पानी की बोतल एंड केक, जो मैं रास्ते में हमेशा खाता हूँ। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, फाइनली मैंने यहाँ से परचेज किया है केक ब्रिटेनिया का एंड वन माउंटेन ड्यू, क्योंकि डर के आगे जीत है, एंड एक बोतल पानी, क्योंकि इसके बिना कहीं गुजारा नहीं। फिर अब हो गया वक्त सोने का, फिर अब मैं जाऊँगा क्योंकि देखो उसके बाद जाऊँगा सोने। फिर कल सुबह आपको दिखाऊँगा
सॉरी सॉरी सॉरी, आज रात को ही आपको दिखाना पड़ेगा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे एंड कल सुबह यमुना एक्सप्रेस वे आगरा से जो निकलती है, तो कब तक देखते रहिए वीडियो, वीडियो पूरा देखिएगा आप, अधिक मज़ा तो अब आने वाला है। जब यहाँ पे गाड़ी चलेगी 120 130 के स्पीड में तो मज़ा आएगा आपको। चलिए देखते रहिए वीडियो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फाइनली हम पहुँच गए हैं बाराबंकी, जो लखनऊ से कुछ किलोमीटर आई थिंक पीछे है, वहाँ पे हम पहुँच गए हैं। यहाँ पे कुछ बहुत ट्रैफिक है, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं ट्रैफिक। दिन मेरा राय ये है ना कि बस से मत आओ, बहुत टायर्ड फील करोगे, बहुत टायर्ड फील करोगे। उससे अच्छा ट्रेन है यार, बाथरूम की सुविधा है, हर चीज़ की सुविधा है। यहाँ पे पानी नहीं पीना पड़ेगा आपको ट्रेन बस में। दिन मेरा जो ये एक्सपीरियंस रहा बस से बहुत बुरा है, दिन इसके बाद से मैं कभी बस से ट्रैवल नहीं करूँगा। चलो आपको ट्रैफिक दिखा देता हूँ यार। अभी तक आई थिंक हमें आगरा पार हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे बस वालों ने मेरे से बोला था कि हम पहुंच जाएंगे 5-6 बजे तक आगरा पहुंच जाएंगे, 9-10 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी तक बाराबंकी में, यानी शाम को 4-5 बज जाएंगे मुझे पहुंचने तक। तो आप देख सकते हो यार कितना ट्रैफिक है, सिर्फ ट्रक ही लगे हुए हैं। यहाँ पे मैं हूँ चादर रोड पर यार, रात को बहुत ठंडक लगी लग रही थी। एसी भी बंद है, आप देख सकते हो सारे एसी बंद कर दिया मैंने, केबिन भी बंद ही करके रखता हूँ यार, बहुत शोर होती है यहाँ पे। वीडियो शूट करना था मुझे, मैं कर नहीं सकता था इतनी शोर में, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है, फ़ोन के माइक से ही काम चलाता हूँ। तो आई थिंक मुझे 5-6 घंटे लग जाएंगे और इसके बाद ही कहीं पहुँच पाऊँगा मैं। एक्सप्रेस वे तो अभी आया नहीं, मैं सोच रहा था कि रात को 12 बजे तक एक्सप्रेस वे आ जाएगा तो शूट कर लूँगा, लेकिन एक्सप्रेस वे तो आया नहीं। चलो अच्छा हुआ, देखने को मिलेगा आपको अच्छे से, दिन में अच्छे से दिखाई देगा एक्सप्रेस वे। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए हैं अब लखनऊ, तो यहाँ से लगभग अभी 6-7 घंटे लग जाएंगे मुझे दिल्ली पहुँचते पहुँचते। तब तक लखनऊ देखो आप, अच्छा जगह है यार, अच्छा लग रहा है लखनऊ, बहुत डेवलप कर गया पहले से लखनऊ। मैं करीब 5-6 साल पहले आया था लखनऊ, उसके बाद से आज आ रहा हूँ, बहुत डेवलप कर गया लखनऊ। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे। देन यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है, जो जो लोग जिन लोग को बाथरूम करना है वो बाथरूम करेंगे, एंड उसके बाद जिन्हें पानी वानी पीना है, जिनके पास पानी नहीं है वो पानी खरीद सकते हैं, चाय पीना है चाय पी सकते हैं। तो यहाँ पे रुके हुए हैं, 10 मिनट का हॉल्ट है, उसके बाद डायरेक्ट आगरा। दिस इज आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। You can see, this is आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। ये वही एक्सप्रेस वे है जिसे फ्लाइट भी उतर सकता है। यहाँ पे गाड़ी की मिनिमम स्पीड बस की 120-130 तक होती है।
दोस्तों ये है यमुना एक्सप्रेस वे, आप देख सकते हो कितने दूर में है ये। यहाँ पे भी गाड़ी की नॉर्मल स्पीड 100-110 होती है। यहाँ पे लोग रोड क्रॉस ऐसे नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। ट्रैफिक मिली और नोएडा में आने के बाद भी भारी ट्रैफिक लगी हुई है। आप देख सकते हो यहाँ की ट्रैफिक यार, जुल्म बरसा रही है आज ट्रैफिक। सुबह से ही ट्रैफिक ही देखते आ रहा हूँ मैं। आई थिंक मुझे कुछ फीवर भी हो गया, थोड़ी फीवर हो गया है यार। घर पे जाके आराम करना है, सोचा था मैंने जल्दी पहुँच जाऊँगा मैं। ये देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूं अपने रूम पे, और ये लोकेशन देख के आपको पता लग ही गया होगा कि ये मेरा दिल्ली वाला रूम है। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब मुझे बहुत काम करना है, रूम की सफाई करनी है यार। 15 दिन घर पे रह के आया, रूम की सफाई करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम ईशान कुमार शर्मा है। रिसेंटली ही मैंने अभी ट्रैवलिंग ब्लॉग स्टार्ट किया है, मतलब मुझे घूमने का शौक है तो मैं उस पर अलग अलग जगह जाता हूँ एंड कोशिश करता हूँ कि ब्लॉगिंग सही से की जाए। सो, आपको अभी मैंने रिसेंटली अपना नया चैनल खोला है जिसका नाम है IKS Vlogs। सो, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड आप कृपया उसे एक बार देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी एंड हेल्प मी। बाकी आप देखिए एक बार, अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़ जैसा आपको लगे आप वैसे कीजिए। धन्यवाद।